नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, वैक्सीनेशन के नाम पर राजनीति करने वाले विपक्ष को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अब टीकाकरण अभियान में तेजी को लेकर WHO ने एक बार फिर से भारत की जमकर प्रशंसा की है और साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि भारत केवल 13 दिनों में 650 मिलियन खुराक से 750 मिलियन खुराक तक पहुंच चुका है। महामारी के खिलाफ सबसे भीषण लड़ाई में मेड इन इंडिया सर्वश्रेष्ठ है। तो वहीं इसके अलावा स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को भी अब बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन को भी मंजूरी देने की तैयारी में है WHO। जी हां, एक बार फिर से वैक्सीनेशन के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ राजनीति करने वाली विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि साफ तौर पर जो विपक्ष लगातार पिछले लंबे समय से कोरोना से लेकर वैक्सीनेशन के नाम पर बेबुनियादी मुद्दों को भुनाने में लगी हुई थी, अब WHO ने उस सबके मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया है। जहां दरअसल आपको बताते चले कि एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हो रही तेजी से वैक्सीनेशन को लेकर WHO ने इसकी जमकर प्रशंसा की है और महामारी के खिलाफ मेड इन इंडिया को सर्वश्रेष्ठ बताने का काम किया है। जी हां, और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 टीकाकरण में तेजी से तेजी लाने के लिए भारत को बधाई दी है और बधाई देते हुए साफ तौर पर कहा है कि भारत केवल 13 दिनों में ही 650 मिलियन खुराक से 750 मिलियन खुराक तक पहुंच चुका है। WHO केवल 13 दिनों में 100 mn जेब्स देने के लिए भारत की प्रशंसा करता है, यानी कि सचमुच महामारी के खिलाफ सबसे भीषण लड़ाई में मेड इन इंडिया ही सर्वश्रेष्ठ है। जी हां, इसके अलावा आपको बताएं कि WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने भी साफ तौर पर बयान देते हुए यह कहा है कि WHO ने अभूतपूर्व गति से COVID-19 टीकाकरण को बढ़ाने के लिए भारत को बधाई दी है। पहली बार 100 मिलियन खुराक देने में 85 दिन का समय भारत में लगा था, वहीं अब केवल 13 दिनों के अंदर ही 650 मिलियन से 750 मिलियन खुराक तक पहुंच गया है भारत। दरअसल आपको बताते चले कि कोरोना वायरस के खिलाफ लगातार जिस तरीके से वैक्सीनेशन का अभियान मोदी सरकार की ओर से तेज करने का काम किया जा रहा है, देश में लगातार कोरोना वायरस वैक्सीन की अभी तक 75 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी साफ तौर पर इसको लेकर भारत को बधाई दी है और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के प्रयास के मंत्र के साथ ही विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अब निरंतर नए आयाम गढ़ रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि आजादी के 75वें साल में देश ने 75 करोड़ टीकाकरण के आंकड़ों को पार कर लिया है। जी हां, तो वहीं इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए यह कहा है कि 75 करोड़ वैक्सीन लगना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री, जनता, कोविड वॉरियर और राज्य सरकारों का आभार प्रकट करता हूं। दुनिया के देशों के मुकाबले भारत टीकाकरण की मुहिम में सबसे आगे निकल चुका है। भारत ने अपनी आबादी का टीकाकरण करने के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि जिस रफ्तार से लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इसे देखते हुए यह साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि महीने भर के अंदर ही देश के 100 करोड़ लोगों तक वैक्सीन की कम से कम एक डोज जरूर पहुंच जाएगी। अब तक जो टीकाकरण किया गया है उसमें लगभग 57 करोड़ लोगों को सिर्फ एक डोज मिल चुकी है और करीब 18 करोड़ को दोनों डोज मिल चुकी है। जी हां, और इसी कड़ी में जिस तरीके से अब एक के बाद एक बड़ी नई उपलब्धि का आयाम अब भारत छूता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है, जिसके बाद साफ तौर पर अब जिस तरीके से WHO ने भी साफ तौर पर टीकाकरण को लेकर यानी कि वैक्सीनेशन की बढ़ती गति को लेकर जो जमकर तराना करने का काम किया है, इसे विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि एक और जहां लगातार पिछले लंबे समय से विपक्षी पार्टी के नेताओं की ओर से कोरोना वैक्सीन से लेकर वैक्सीनेशन करने को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब साफ तौर पर WHO की एक और तारीफ के बाद उन तमाम विपक्षी नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि जो विपक्ष लगातार स्वदेशी भारत में बनी वैक्सीन को लेकर लगातार उसकी प्रमाणिकता पर तमाम तरह के सवाल भी खड़े करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, किस तरीके से कोवैक्सीन
वैक्सीन से लेकर कोविशील्ड पर तमाम तरह के गंभीर आरोप विपक्ष नेताओं की ओर से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब साफ तौर पर इसको लेकर भी विपक्ष के तमाम नेताओं के लिए एक बुरी खबर सबके सामने आ चुकी है, क्योंकि अब कोविशील्ड के बाद साफ तौर पर WHO ने अब कोविशील्ड को भी मंजूरी देने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, हालांकि आपको बताएं पिछले लंबे समय से लगातार इसको लेकर हालांकि संशय बना हुआ था कि कोविड वैक्सीन को लेकर आखिर WHO कब इसकी मंजूरी देगा। हालांकि भारत सरकार की ओर से कोवैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी थी, जिसके बाद तमाम देश के कई नागरिकों को कोवैक्सीन की डोज भी लगातार लगाई जा रही थी, लेकिन उस पर लगातार सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए मोदी सरकार की छवि को खराब करने के लिए विपक्ष के नेताओं की ओर से सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम हालांकि किया जा रहा था, लेकिन अब साफ तौर पर यह अच्छी खबर निकलकर सामने आई है कि साफ तौर पर कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी देने का काम WHO अब जल्द ही करने वाली, जिसको लेकर अब एक सप्ताह के अंदर कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन को भी WHO की प्रमाणिकता मिल जाएगी। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर हम कोविड के पैंडेमिक समय की बात करें तो किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टी, पर चाहे उसमें अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, पर चाहे उसमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, किस तरीके से बार बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कभी कोरोना के नाम पर तो कभी कोवैक्सीन के नाम पर तरह तरह की राजनीति हालांकि करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब साफ तौर पर जो तमाम तरह के सवाल विपक्ष नेताओं की ओर से खड़े किए जा रहे थे उन तमाम सवालों पर विराम लग चुका है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन के नाम पर एक और ज्यादा तमाम विपक्षी पार्टी राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तो जो 75 करोड़ की वैक्सीन अब तक भारतवासियों को लग चुकी है इसको लेकर WHO साफ तौर पर दिल खोलकर अपनी प्रशंसा कर चुका है, तो वहीं जिस तरीके से कोवैक्सीन के नाम पर भी तरह तरह की भ्रामक खबरें फैलाने का काम विपक्षी नेता कर रहे थे, किस तरीके से वैक्सीन ना लगाने को लेकर जनता को जागरूक करने का काम विपक्षी नेताओं की ओर से किया था, लेकिन इसको लेकर भी आपको बताते चले कि अब साफ तौर पर विपक्षी नेता को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि WHO अब बहुत जल्द बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को भी मंजूरी देने का ऐलान करने वाली है। जी हाँ, हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले केंद्रीय मंत्रियों की ओर से भी लगातार तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मुलाकात की जा रही थी, और इसी कड़ी में अभी हाल ही में कोवैक्सीन को WHO की ओर मंजूरी मिलने को लेकर भी साफ तौर पर अगस्त के महीने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके के कोवैक्सीन को वैश्विक स्वास्थ्य निकाय की मंजूरी दिलाने पर चर्चा की गई थी, और इसको लेकर इसकी प्रमाणिकता को लेकर भी खास बातचीत की गई थी, और तमाम तरह की बातें हालांकि विपक्ष नेताओं की ओर से कही जा रही थी, लेकिन अब साफ तौर पर अब मोदी सरकार के साफ तौर पर प्रयासों का ही बड़ा परिणाम है कि साफ तौर पर एक के बाद एक बड़े फैसले जिस तरीके से बिना सोचे समझे पूरे देश की जनता के स्वास्थ्य को लेकर लिए जा रहे थे, अब उसका साफ तौर पर जो परिणाम सामने आया है वो ये कि WHO बार बार मोदी सरकार की ओर से जो लगातार एक के बाद एक अथक प्रयास इस वैक्सीन को लेकर इस पेंडेमिक समय में लोगों को बचाने को लेकर किए जा रहे हैं, इसकी जमकर तारीफ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इसके पहले भी तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं, पहले भी किस तरीके से WHO के चीफ ने भारत की प्रशंसा की थी, और साफ तौर पर WHO के चीफ ड्रोस एडनोम ने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए दरअसल उनकी सराहना की थी, और ये लिखा था कि भारत लगातार निर्णायक कार्रवाई कर रहा है और कोरोना महामारी को खत्म करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक होने के नाते ये भारत अच्छी तरह से कर सकता है, और अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हर जगह सबसे पिछड़ों पर सुरक्षित और प्रभावकारी वैक्सीन का इस्तेमाल सुनिश्चित कर सकते हैं। हालांकि इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी मोदी सरकार की जमकर सराहना की थी, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार एक के बाद एक जो मोदी सरकार के प्रयासों के जो परिणाम अब जमकर तारीफों के पुल बांधते हुए सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं, और अब किस तरीके से वैक्सीन के नाम पर और कोरोना के नाम पर मुद्दों को भुनाने का काम किया जाए, इसको लेकर नए नए पैंतरे हालांकि इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है, लेकिन आपको बताएं अब जो बड़ी खबर भारत सरकार से लेकर भारतवासियों के लिए सामने आई है, इसने विपक्षी पार्टी के तमाम नेताओं के हाथ पांव फुलाकर रख दिए हैं, लेकिन फिलहाल इन तमाम मसलों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।